नमस्कार, मैं मान विनोद में मैं ऐसे विनोद आज फिर आपके सामने रूबरू हूँ और आज हम चर्चा करेंगे उसी विषय पर जिस पर पूरे देश में बहस हो रही है और उस बहस के माध्यम से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पूरे देश में एक जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी है। और वो बहस है, पिछले दिनों विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लंदन में भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर कथित रूप से प्रहार हो रहे हैं, उस कथित रूप से उसे कमजोर करने की बात कही थी। इस पर यहां सारा का सारा सत्ता पक्ष आक्रामक है। जैसे मैं पिछले कार्यक्रम बता चुका हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एवं अन्य मंत्री सामने आकर उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर प्रहार किया। उन पर विदेश में, विदेश की धरती से भारत को बदनाम करने की कोशिश बताया गया और यह लेकर अब सत्ता पक्ष की मांग है कि राहुल गांधी सदन में आकर माफी मांगे। इस मांग को लेकर पूरे दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में पिछले दिन जो देखे गए, इस सत्र के दूसरे चरण की कल सोमवार को शुरुआत थी, ये पहले ही दिन पूरा का पूरा दिन भेंट चढ़ गया, शोर शराबे में कोई काम नहीं हो पाया, सदन स्थगित कर लिया गया। अब सवाल यहां उठता है, सत्ता पक्ष पर कांग्रेस की ओर से आरोप है कि स्वयं सत्ता पक्ष संसद नहीं चलने देना चाहता, सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते कि संसद चले, क्योंकि संसद में मांग कर रहे हैं कांग्रेस और विपक्षी दल कि जो आरोप प्रधानमंत्री पर अडानी समूह को लेकर लगे हैं उसकी जांच जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिति करे, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए, यह मांग है। और इस मांग से बचने के लिए सत्ता पक्ष नहीं चाहता है कि संसद चले, यह आरोप मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर संसद माना जाता है, वहां जिस तरह के अशोभनीय दृश्य पैदा हो रहे हैं और वहां की कार्यवाही नहीं हो पाती, तो यह पूरे के पूरे लोकतंत्र के साथ छल है, देश की जनता के साथ छल है। क्यों नहीं हुआ? बस संसद है, इसलिए संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है, वो संसद में कुछ भी बोल दे, उनके बोलने पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। संसद के अंदर बोले गए शब्दों को कोई भी बाहर चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे में अगर संसद की कार्यवाही नहीं चलती है तो ये सोचना पड़ जाएगा कि सचमुच हमारे भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे पर कोई प्रहार की साजिश तो नहीं रची गई है, उसे कमजोर करने की साजिश तो नहीं रची गई है। यह सवाल है, इस पर बहस होनी चाहिए। और जहां तक विपक्ष की मांग है अदानी समूह की जांच के लिए जेपीसी के गठित किया जाए, उस मांग में दम तो है। पिछले कई अवसरों पर ऐसी जांच समितियां गठित की गई हैं, कई अवसरों पर। और देखिए, विडंबना यह है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति में सदस्य कौन रहेंगे, उसका अध्यक्ष कौन रहेगा, क्योंकि संसद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, उसके ही सदस्य संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष रहेंगे। समिति में सदस्यों की संख्या भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का अधिक रहेगी। ऐसे में सत्ता पक्ष क्यों भाग रहा है, क्यों नहीं जांच करवाना चाहता है? इससे कुछ और नहीं, संदेश यह जाता है आम लोगों के बीच कि कहीं कुछ है जिस पर सरकार पर्दा डाले रखना चाहती है। क्योंकि ध्यान रहे, जैसे मैंने कहा, जो ढांचा है संयुक्त संसदीय समिति का, सत्ता पक्ष का बहुमत होता है, उसके ज्यादा सदस्य, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति को यह अधिकार है कि वो विवाद से संबंधित कोई भी संचिका, कोई भी फाइल, कोई भी कागजात, कोई भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की मांग कर सकती है। और वहां समिति में आने के बाद उसे अन्य जो विपक्ष के
सदस्य नहीं है वो भी देख सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। अर्थात कोई बातें छुपी नहीं रह सकती है, संभवतः इसी से बचने के लिए, ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो। जिस प्रकार से यह दोहराना ही होगा, राहुल गांधी ने सदन के अंदर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर और सरकार के ऊपर प्रहार किए थे, अडानी समूह के लिए जांच की मांग की थी, उसका जवाब आज तक सत्ता पक्ष की ओर से नहीं आया। विडंबना के रूप में यह भी फिर उद्धृत करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं जो जवाब दिया था राहुल गांधी के अभिभाषण के बाद, तो उन्होंने उन आरोपों का जवाब नहीं दिया था। इससे संदेह गहराता है, हो सकता है कि कहीं कुछ नहीं हो, वो पाक साफ हुआ अडानी सरकार की जितनी कार्रवाई हुई, सरकार ने जो भी आदेश पारित किए, नियमानुकूल किए होंगे, लेकिन यह जो एक पेच बंधा हुआ है जिससे कि सरकार बचना चाह रही है, उससे संदेश यही चाहता है कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद की कार्यवाही का स्थगित होना पूरे दिन के लिए, जैसे कल देखा गया, पहले 2 बजे तक लिए, उसके पूरे दिन के लिए सदन स्थगित, इससे तो विपक्ष के आरोप की पुष्टि होती है कि सत्ता पक्ष स्वयं नहीं चाहता कि सदन चले। क्योंकि ध्यान रखें, इसे आप अगर संजोग है तो विचित्र संजोग है, पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा, समय एक है, 2 बजे तक के लिए स्थगित, लोकसभा भी राज्यसभा भी, फिर पूरे दिन के लिए स्थगित। कार्रवाई शुरू नहीं हुई, शोर शराबा हुआ और अध्यक्ष और सभापति ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। यह हमारी लोकतांत्रिक जो पद्धति है, जिस पर हम गर्व करते हैं अपने भारतीय लोकतंत्र पर, उसके साथ चल, ये देश की जनता के साथ चल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विपक्ष जांच समिति की मांग करता है तो बैठ करके बात करें। जैसे मैं पिछले दिनों बता चुका हूं कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति अपने अपने स्तर पर विपक्ष को बुलाकर चर्चा करें, बात करें और समाधान निकालें। सत्ता पक्ष की ओर से स्वयं प्रधानमंत्री सामने आए, वो पहल करें। अगर वो पाक साफ हैं, सब कुछ नियमानुकूल हुआ, कुछ छुपाने को नहीं है, तो पारदर्शिता की मांग है कि प्रधानमंत्री पहल करते हुए विपक्ष को विश्वास मिले, उनसे चर्चा करें, देश के सामने सचाना चाहिए। यह सिर्फ सत्ता पक्ष के एक पार्टी की मांग का सवाल नहीं है, इसमें पूरा देश दृष्टि जमाए हुए है, वह भी सच जानना चाहता है, क्योंकि अंततः यह लोकतंत्र समर्पित है देश की जनता को, देश की जनता की इच्छा पर उसके निर्वाचित जनप्रतिनिधि सत्ता में जाते हैं, शासन में जाते हैं, विपक्ष में बैठते हैं और सत्ता संचालन करते हैं, संसद चलता है। वैसे में संसद के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो यह लोकतंत्र के खिलाफ माना जाएगा। और यहां जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी से क्षमा मांगने, माफी मांगने की मांग भारतीय जनता पार्टी करे, सत्ता पक्ष के लोग करें, उस आरोप की पुष्टि होती है कि कहीं न कहीं कुछ है ऐसा जिस पर सरकार पर्दा डाल रखना चाहती है, छुपाना चाहती है, देश की जनता को विश्वास में नहीं लेना चाहती है। यह लोकतांत्रिक भावना के प्रतिकूल है। संसद का नहीं चलना यह लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है, लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वाला है। इस बात को दोनों पीठासीन अधिकारी और सत्ता पक्ष में बैठे हुए विशिष्ट प्रधानमंत्री इसका संज्ञान ले और पहल करें। अभी भी विलंब नहीं हुआ है, उसको विलंब करें, क्योंकि अगर यह आरोप लगता है सत्ता पक्ष की ओर से, सत्ता पक्ष के ऊपर क्षमा करेंगे, विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर अगर आरोप लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग जानबूझकर संसद को नहीं चलना देना चाहते, तो यह एक ऐसा आरोप है जिसका तुरंत माकूल जवाब सत्ता पक्ष की ओर से आना चाहिए। हमारे एक पारदर्शी सरकार है, कुछ भी हम छुपाते नहीं है, जनता को सब कुछ जानने का हक है। ऐसे में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराए जाने की मांग का समर्थन पूरे देश की जनता करेगी। दलीय प्रतिबद्धता अपनी जगह है,
लेकिन जो तटस्थ लोग हैं, जो विशाल बहुमत है देश का, वो भी जानना चाहता है और इसको जांच करवा दीजिए। स्वयं सत्ता पक्ष के लोग कई बार जब विपक्ष के ऊपर कोई सीबीआई ईडी आदि जांच करती है तो सत्ता पक्ष की ओर से बयान आते हैं उनके प्रवक्ता से, अगर वो निर्दोष है, अगर वो षड्यंत्र शामिल नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उन्हें डर क्या है, जांच होने दीजिए। यही बात आज सत्ता पक्ष पर लागू होती है कि अगर अडानी के मामले में सब कुछ पाप साफ है, नियमानुकूल है, संविधान सम्मत है, कानून सम्मत है, तो फिर डर कैसा, भय कैसा, क्या छुपाना चाहते हैं, जांच होने दीजिए और संयुक्त संसदीय समिति जांच करे। इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। जैसा मैंने कहा, वहां तो उसके अध्यक्ष सत्ता पक्ष के सदस्य होंगे, समिति के अंदर बहुमत सत्ता पक्ष के सदस्य होगा, वो जांच करें। और अगर जैसा दावा है, स्वयं सत्ता पक्ष दावा करता रहा है कि सब कुछ पाक साफ है, नियमानुकूल है, कानून सम्मत है, तो जांच होने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, विपक्ष के गालों पर तमाचा पड़ेगा। अगर ये साबित हो गया कि कुछ भी अनुचित नहीं हुआ है, नियमों के विरुद्ध नहीं हुआ है, कानून के विरुद्ध नहीं हुआ है, तो फिर सत्ता पक्ष के सही हथियार मिल जाएगा कांग्रेस को, विशेषकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने का। आज राहुल गांधी के शब्दों पर अगर तिलमिलाकर सत्ता पक्ष उनसे माफी की मांग करता है, तो पूरे देश की यह मांग है कि जिस प्रकार विपक्ष मांग कर रहा है अडानी के मामले में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराए जाने की, तो पूरा देश इसके समर्थन में है। और सिर्फ इसलिए, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये प्रहार प्रतिहार की बात नहीं है, ये सिर्फ इसलिए ताकि सच्चाई जनता के सामने अर्थात देश के सामने आ जाए और ये सारा विवाद खत्म हो जाए, उसका एक बार में निपटारा हो जाए, सब कुछ सामने रहेगा संयुक्त संसदीय समिति की जांच के बाद। और जैसे ये दोहरा दूं कि और चूंकि सत्ता पक्ष का यह दावा है कि कहीं कुछ भी नियमों के खिलाफ नहीं हुआ, कानून के खिलाफ नहीं हुआ है, तो इसकी पुष्टि हो जाएगी, फिर वो क्यों डर रहे हैं, क्यों पीछे भाग रहे हैं। पीछे भागने से संदेश यह जाता है कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। इस बात के निराकरण के लिए जरूरी है कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो और अडानी समूह के मामले के जो आरोप उन पर लगे उसकी जांच हो जाए। हाँ, यह फिर दोहरा दो कि राहुल गांधी तो एक प्रकरण है। राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर अगर भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर प्रहार किया है तो यह गलत हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो मत नहीं। लेकिन उसका जवाब देते हुए ध्यान रखें, विपक्ष की ओर से, विशेषकर कांग्रेस की ओर से उसके नेता सामने आए हैं प्रमाण के साथ कि कब कब विदेशी धरती पर वर्तमान सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है, उन्होंने भारत के हित, भारत की छवि के खिलाफ विदेशी धरती पर बयान दिए हैं। उन्होंने सूची सामने लाकर रख दी है विपक्ष के नेताओं ने, तो सामने इतिहास के पन्ने जब ढूंढ खोले जाएंगे तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, बहुत सारे ऐसे मामले एक बार फिर दैत्य तंत्र सामने आ जाएंगे, जिस पर किन्हीं कारणों से आज वर्तमान पक्ष, सत्ता पक्ष पर्दा डाल रखना चाहता है। कल हमने देखा किस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक से गिराए पूरी की सूची की सूची मीडिया के सामने रख दी कि कब कब विदेशी धरती पर वर्तमान सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से भारत के खिलाफ बयान दिए गए हैं। यह एक राहुल गांधी का मामला नहीं है, इसमें सारे लोग शामिल हैं जो सुविधा अनुसार अपने दलगत राजनीति के तहत अपने दल के हित में इस प्रकार के बयान देते रहे हैं। यह उसी से छुपा हुआ नहीं है, इसके अनेक प्रमाण मौजूद है। ऐसे में बेहतर होगा इस पूरे विवाद को इतिश्री के लिए विपक्ष की जो मांग है, अडानी समूह के मामले की संयुक्त संसदीय समिति जांच करे, उसके समिति का गठन हो, इसे सरकार स्वीकार कर ले। अगर सरकार के पास छुपाने को कुछ नहीं है तब हाँ, अगर उन्हें इस बात का डर है कि कहीं कुछ है जिस पर पर्दा डाल कर रखा है, अब तक उस पर्दे को नहीं उठाना चाहते हैं, तब बात इधर है। लेकिन
संदेह का जो बीज आम जनता के बीच में बोया जा रहा है, वह आने वाले दिनों में और यह चुनावी राजनीति होती, सारी के सारी राजनीति वोट बैंक की राजनीति है, इस पर पर्दा डालने का अर्थ होगा कि आगे आने वाले दिनों में चुनाव के लिए विपक्ष के हाथों में एक बहुत ही मजबूत कारगर मुद्दा स्वयं सत्ता पक्ष सौंप रहा है। और इसे बखूबी भुनाते हुए अगर कांग्रेस दल आगे कदम डाल करता है और पक्ष सत्ता पक्ष पर प्रहार करता है तो यह निश्चय ही चुनावी परिणाम को भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल प्रभावित करेगा। इस बात को मैं जान समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी अच्छी तरह समझते होंगे, अतः बेहतर यही होगा कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अडानी समूह के मामले की जांच करा ली जाए और ताल ठोक करके छाती खोल करके सत्ता पक्ष सामने आए कि हाँ ये जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।